हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है पीयूष, आप देख रहे हैं कारी लाइट। अभी मेरे पास है महिंद्रा थार 4x4। गाइस, ये इसकी डीजल वेरिएंट है मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। इसका फुल डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। हार्ड टॉप है, एलेक्स 4 सीटर। गाइस, इसमें आपको क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखने को मिलता है, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इंजन, डायमेंशन, सब डिस्कस करेंगे सिंगल वीडियो में। तो चैनल पर नए हैं, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे वीडियो हमेशा पाने के लिए। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते गाइस इसके फ्रंट से। तो यहाँ पे आपको सेम गाइस देखो, रियर व्हील ड्राइव और 4x4 में कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको महिंद्रा का लोगो देखने को मिलेगा। और हेडलैम्प की बात की जाए तो यहाँ पे आपको गाइस हैलोजन राउंड शेप में हेडलैम्प देखने को मिलता है। टर्न लाइट इंडिकेटर भी हैलोजन देखने को मिलता है। वहीं के ऊपर आपको DRL देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको कुछ ऐसी फिनिशिंग देखने को मिलेगी मैट में। यहाँ पे बम्पर आपको फ्रंट में देखने को मिलेगा, जिसपे आपको थार का बैजिंग देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसा यहाँ पे को ग्रिल देखने को मिलता है। फ्रंट ओवरऑल यहाँ पे आपको कुछ ऐसी लुक देखने मिल जाती है। 1820 mm की चौड़ाई देखने को मिलती है और 220 mm का यहाँ पे आपको बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाता है महिंद्रा थार 4x4 में। और फ्रंट गाइस देख लीजिए, कुछ ऐसा यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जो इसका फॉग लैंप है, हेडलैम्प है, टर्न लाइट इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको हैलोजन देखने को मिलेगा। DRL यहाँ पे आपको LED देखने को मिल जाता है। बात करें गाइस अगर हम लोग इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे इसके लेफ्ट साइड प्रोफाइल देखने को मिल जाती है महिंद्रा थार 4x4 में। टायर प्रोफाइल की बात करें गाइस, तो इसमें आप सभी लोग को 255/65 सेक्शन का टायर देखने को मिल जाता है विथ 18 inches ऑफ अलॉय व्हील। और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको अलॉय व्हील देखने को मिलता है। 4x4 है गाइस, तो यहाँ पे आपको जो इसके चारों व्हील्स है वो चलते हैं। यहाँ पे आपको MHawk का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको रियर व्हील ड्राइव में नहीं देखने को मिल जाता। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है इसका ORVM, जो कि मैनुअल है पूरा, पूरे ब्लैक फिनिश में। थार का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस आपको फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको डोर देखने को मिलेगा। और काफी हैवी सा यहाँ पे आपको डोर देखने को मिलता है। डोर हैंडल गाइस आपको नॉर्मल ब्लैक रंग से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शो होगा कितना फ्यूल टैंक कैपेसिटी इसमें देखने को मिल जाता है। सेम यहाँ पे गाइस आपको देखने को मिलता है टायर। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो गाइस देख सकें, यहाँ पे स्पेस थोड़ा सा रियर में कम है, आप लोग मैनेज करिएगा। यहाँ पे आपको गाइस पीछे डिफॉगर देखने को मिलता है। स्पेयर व्हील आपको सेम मिलता है जैसे मेन व्हील देखने को मिलता है, सेम यहाँ पे आपको गाइस 255/65 सेक्शन का इसका स्पेयर व्हील देखने को मिल जाता है 18 इंच में। जैसे व्हीकल में, हर व्हीकल में आपको कम मिलता है, लेकिन इसमें आपको सेम देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको डोर हैंडल देखने को मिलेगा वही ब्लैक रंग में। और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको पूरा रियर का लुक देखने को मिलता है। 2 पार्किंग सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पे गाइस आपको कोई भी कैमरा देखने को इसमें नहीं मिल रहा है। आप आफ्टर मार्केट कैमरा इसमें इंस्टॉल करवा सकते हो। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप, यहाँ पे आपको नॉन फंक्शनल रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा। यहाँ से आप की लगा के इसको ओपन कर सकते हो। मैं आपको कुछ ऐसा गाइज आपको इंटीरियर स्पेस देखने को मिलेगा इसके बूट में। यहाँ पे आपको फाइबर का कुछ फिनिश देखने को मिलेगा। लॉक ऑन लॉक के लिए यहाँ सेटअप मिलेगा, कुछ इतना बूट स्पेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको इसका टूल्स देखने को मिल जाएगा। स्पेस के मामले में पीछे गाइस इसमें आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। कि ब्रेक लाइट की बात करें, LED ब्रेक लाइट देखने को मिलता है। टर्न लाइट इंडिकेटर, यहाँ पे आपको हैलोजन और रिवर्स लाइट भी हैलोजन देखने को मिलता है। तो ये है पूरी इसकी लुक। 4x4 है, तो यहाँ पे आपको 4x4 का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा क्रोम फिनिशिंग में। और कुछ ऐसा इसका पूरा ओवरऑल लुक देखने को मिल जाता है। यहाँ पे अगर ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें, तो 220 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया हूँ, अभी इंटीरियर में चलेंगे। गाइस इसके पहले मैंने 4x2 रियर व्हील ड्राइव का वीडियो बनाया, तो उसको आप लोग नहीं देखे तो आई बटन पे आ रहा होगा, जाके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके डायमेंशन एंड वेट की। तो जो लेंथ देखने को मिलती है इसमें आपको 3985 mm का देखने को मिल जाता है। और वेट यहाँ पे आपको 1820 mm का देखने को मिलता है। गाड़ी ऐसी है भाई, लोग देखें। और व्हील बेस जो देखने को मिलता है 2450 mm की देखने को मिल जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग बता दिया, 220 mm का यहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। और ओवरऑल वेट की बात कर ले तो 1710 kg की यहाँ पे आपको कर्व वेट देखने को मिल जाती है। तो काफी हैवी यहाँ पे आपको इसका जो वेट है वो देखने को मिल जाता है। और गाइज अगर बात करें अब इसके इंटीरियर की, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 3 doors देखने को मिलते हैं, ड्राइवर साइड, पैसेंजर साइड एंड इसके बूट का। एंड यहाँ पे ORVM जो है यहाँ पे आपको पूरा मैनुअल देखने को मिलेगा। यहाँ पे गाइस हम लोग चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पे फुटरेस्ट देखने को मिलेगा। और इंटीरियर में गाइस आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है इसका इंटीरियर, जहां पे आपको पूरा ऑल ब्लैक इसका डैशबोर्ड देखने को मिलता है। यहाँ पे गाइस महिंद्रा का लोगो, वैसे गाइस एक चीज बता दूं, 2022 मॉडल है, तो यहाँ पे आपको जो लोगो देखने मिलेगा ओल्ड वाला मिलेगा। वैसे न्यू वाले में सिर्फ यहाँ पे आपको जो लोगो है चेंज मिलेगा, न्यू वाला यहाँ पे आपको लोगो देखने मिलेगा। मीटर कंसोल यहाँ पे 7 digital देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम कुछ ऐसा देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑटो कार प्ले एंड एप्पल कार प्ले को सपोर्ट करता है। यहाँ पे गाइस AC आपको ऑटोमेटिक नहीं देखने को मिलती है, मैनुअल AC देखने मिलेगी। AC वेंट्स आपको देखने मिल जाते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश, यहाँ पे क्रोम की फिनिश देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पे भी गाइस आप सभी लोग को पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगा। और कुछ ऐसा यहाँ पे आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिलेगी। स्टीयरिंग कंट्रोल की बात करें, तो यहाँ पे आपको MRD कंट्रोल देखने को मिलेगा, इधर आपको इंफोटेनमेंट कंट्रोल, बीच में लोगो, यहाँ पे आपको एयरबैग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको थार का ब्रांडिंग, यहाँ पे हैंडल आप एक तरीके से इसको बोल सकते हो खोलने बंद करने के लिए, यहाँ पे आपको लॉक अनलॉक का, यहाँ गाइस आपको ORVM कंट्रोल देखने को मिलेगा, नीचे बॉटल होल्डर।
और गाइज यहाँ पे आपको कुछ फंक्शन बटन देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको फंक्शन बटन देखने को मिलेंगे, नीचे गाइज आपको स्पीकर देखने को मिलेगा एंड पैडल्स देखने को मिल जाते हैं। एंड गाइज ये मैनुअल ट्रांसमिशन वाली वेरिएंट है, तो यहाँ पे आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियरबॉक्स देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एसी देखने को मिलता है मैनुअल, यहाँ पे स्पेस अंदर कुछ स्पोर्ट देखने को मिलते हैं, यहाँ पे गाइज आपको रियर व्हील ड्राइव में मैंने दिखाया था आपको खाली खाली देखने को मिलता है कुछ स्पेस, यहाँ पे गाइज आपको 4x4 का सेटअप देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल, हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा, टू कप होल्डर देखने को मिलेगा, यहाँ पे थार का आपको ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, सेम आपको ड्राइवर साइड में इधर देखने को मिलता है, यहाँ पे गाइज आपको एसी वेंट देखने को मिलेगा सिंगल, यहाँ पे आपको थार का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा, यहाँ पे गाइज आपको कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलता है, बहुत ही कम स्पेस, खाली डॉक्यूमेंटेशन के लिए स्पीकर देखने को मिलता है, ऐसा कुछ यहाँ पे आपको पूरा देखने को मिलता है। इंटीरियर तो काफी बढ़िया है भाई, भौकौली वाली इंटीरियर है, यहाँ पे आपको एक हैंडल देखने को मिलेगा फ्रंट में, ऊपर आ जाते हैं तो यहाँ पे आपको सनसेट देखने को मिलेगा जिसमें कोई वैनिटी मिरर नहीं है, यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा पैसेंजर साइड, ऊपर का पूरा हार्ड टॉप आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको एलईडी लाइट देखने को मिलेगा, ऊपर आपको दो स्पीकर दो ट्यूटर देखने को मिलते हैं, फ्रंट में दो स्पीकर मतलब चार स्पीकर दो ट्यूटर देखने को मिलता है, रियर में आपको कुछ ऐसा पूरा स्पेस देखने को मिल जाता है थार 4x4 में। गाइस यहाँ पे आपको टोटल फैब्रिक सीट देखने को मिल जाती है पूरी, और इंटीरियर पूरा ऐसा कुछ देखने को मिलता है। थ्री पैडल्स देखने को मिल जाते हैं, ब्रेक एक्सेलरेटर एंड क्लच ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल होती है, और डीजल में यहाँ पे आपको टोटल 8 वेरिएंट में थार देखने को मिलती है, और पेट्रोल में 5 वेरिएंट में, 6 कलर ऑप्शन टोटल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है महिंद्रा थार में, चाहे वो 4x4 हो चाहे रियर व्हील ड्राइव हो। चलते गाइस इसके हम लोग सेकेंड रो सीट पे, तो सेकेंड रो सीट पे जाने के लिए आपको करना पड़ेगा कुछ काम, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, कोई भी यहाँ पे आपको गेट नहीं देखने को मिलता है, इसको आप ओपन करो इजिली, यहाँ पे आपको एक लीवर देखने को मिलेगा जिसको आप ऐसे उठाओगे और पीछे जाना पड़ेगा। अभी चलते हैं हम लोग इसके पीछे, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा स्पेस देखने को मिलता है, सेम गाइज आपको 4x4 सेम देखने को मिलेगा, 4x2 मतलब रियर व्हील ड्राइव, ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी सारे कटिंग्स ऊपर देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको टू स्पीकर देखने को मिलेंगे, टू ट्यूटर्स देखने को मिलेंगे, ऊपर आपको एलईडी लाइट देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको हैंडल देखने को मिल जाता है, और सेम इधर भी आपको ऊपर हैंडल देखने को मिलेगा जो कि एक फैब्रिक है, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा देखने को मिलता है, प्रॉपर आपको मेटल देखने मिलेगा, ऊपर से आपको फैब्रिक का कोटिंग किया गया है, सेम आपको देखने मिलेगा राइट साइड फैब्रिक सीट देखने मिलेगी, बीच में कोई भी यहाँ पे आपको अम्ब्रेस वगैरह नहीं देखने मिलते हैं, रियर में कुछ ऐसा आपको लुक देखने मिलेगा, रियर में कोई एसी वेंट्स भी गाइज यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, और प्रैक्टिकली अगर बताऊं तो यहाँ पे गाइज वेंटिलेशन का भी दिक्कत है, कोई भी शीशा उसा सब फुल्ली पैक है, आप ओपन इसको नहीं कर सकते हो। चलते हैं हम लोग बाहर और बात करते हैं इसके इंजन की और इसकी प्राइस की। रियर में गाइज स्पेस थोड़ा सा आपको कम मिलता है यार थार में, लेकिन थार यार पहले तो थी, अब स्पेस अब दे दिया गया, पहले तो बहुत कम स्पेस रहता था, अब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस दे दिया गया है। थार वैसे 3 जन 4 जन के लिए बनी है, ज़्यादा लेके जाओगे मतलब फैमिलियर कार उतनी नहीं है, मतलब 3-4 लोग के लिए सही है। गाइज अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको 2184 cc मतलब 2184 cc का एमहॉक इंजन देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको एमहॉक की ब्रांडिंग भी देखने को मिलेगी, रियर व्हील ड्राइव में आप पे आपको एमहॉक की ब्रांडिंग नहीं देखने को मिलती है, और यहाँ पे 4x4 का लोगो नहीं देखने को मिलता है, और तीसरा अंदर यहाँ पे आपको 4x4 का जो लीवर है वो नहीं देखने को मिलता। पावर की बात कर ले तो यहाँ पे आपको 130 bhp की पावर देखने को मिल जाती है, और 300 nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो पावर एंड टॉर्क काफी ज्यादा बढ़िया है। रियर व्हील ड्राइव में आपको यहाँ पे 116 bhp का पावर देखने को मिला था, और 300 nm का टॉर्क सेम मिल जाता है रियर व्हील ड्राइव और 4x4 में, लेकिन यहाँ पे पावर में अंतर है। और सेफ्टी की बात कर ले गाइस, तो आपको महिंद्रा थार 4x4 में सेफ्टी फीचर्स 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, पार्किंग सेंसर, स्पीड अलर्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स माउंट, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, और भी सारे सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। बिल्ड क्वालिटी वैसे गाइस बहुत अच्छा है, मैंने इसको खोला बंद किया बूट ओपन किया तो उससे ही पता चल जाता है कि व्हीकल कितनी ज्यादा स्ट्रांग है और क्या इसकी बिल्ड क्वालिटी है। सो फ्रेंड्स ये था महिंद्रा थार 4x4 का डिटेल रिव्यू, मैंने गाइज आपको इंटीरियर एक्सटीरियर बताई दिया। हाँ प्राइस की बात करूँ तो ये आपको 15,75,000 एक्सरूम पड़ जाती है गाइज, जो प्राइस है वो सिटी टू सिटी वैरी कर सकती है, आप लोग अगर अदर सिटी में रहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में सिटी के साथ कमेंट करके बताना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा इसकी ऑन रोड प्राइस। वैसे गाइज अभी 1 साल की वेटिंग इस पे चल रही है, मतलब काफी ज्यादा वेटिंग चल रही है इस पे। सो गाइज ये था महिंद्रा थार 4x4 का फुल डिटेल रिव्यू, होप करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, मुझे कोई भी चीज मिस हो गया हो तो यार कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग कार्स के रिव्यू कंपैरिजन के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।